अब हमारे साथ वे टू वेल्थ के सीनियर एडिटर एनालिस्ट इनफैक्ट माफ कीजिएगा मानव चोपड़ा है, माफ कीजिएगा हम उनसे ऑप्शन स्टडी लेंगे। मानव, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानव, आपके अप्रोच क्या है, क्या निफ्टी निफ्टी बैंक पर आप सेकेंड हाफ में ट्रेड करना चाहेंगे, सेकेंड हाफ में कोई डायरेक्शनल कॉल लेना चाहेंगे फ्यूचर या ऑप्शन के जरिए, या फिर उस ट्रेड को कल के लिए भी कैरी करेंगे, आपकी रणनीति क्या है? देखिए, आई थिंक जिस तरह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है मार्केट्स में करंट लेवल्स के लिए, आई थिंक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए एक स्ट्रैटेजी बैठती है। जिस तरह निफ्टी ने भी डिक्लाइन देखा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास, कहीं ना कहीं हम होल्ड ऑन देख रहे हैं। सो आई थिंक उसके चलते लोस के आसपास ही स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए फॉर लॉन्ग पोजिशन। 10,450 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में एक अपसाइड हम 10,650 तक रैली देख सकते हैं। कोई चाहे तो इवन 10,600 के ऑप्शन कॉल्स भी ले सकते हैं फॉर द नियर टर्म। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं यू नो देयर इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। बैंक निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट लोस नहीं तोड़े, वेयर बाय निफ्टी ने लोस तोड़े, तो इसके चलते आई थिंक बैंक निफ्टी नियर टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है। 26,100 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड अपसाइड जो टारगेट देख रहा है बैंक निफ्टी में 26,550 का है। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी निफ्टी बैंक की। देखिए, कॉन्ट्रा कॉल आप ले सकते हैं निफ्टी पर भी 26,600 की कॉल के जरिए, लेकिन एक क्लियर व्यू निफ्टी बैंक पर है। देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े और उसके बावजूद अगर आप देखें, अगर प्लीज एक बार क्रॉस चार्ट लेके आएंगे निफ्टी निफ्टी बैंक का, कहां निफ्टी खड़ा था शुक्रवार को और कहां था निफ्टी बैंक, गुरुवार को एक्सपायरी कहां हुई थी अगर आप देखें, तो निफ्टी बैंक ने अगर आप देखें शुक्रवार और आज को मिला के ये प्रूव किया है, ये अगर आप देखें बताया है कि बॉस 26,200 वाला जो क्लस्टर है ना, मैं उसको वॉलेट करने के तोड़ने के अभी मूड में नहीं हूं। बाकी अगर आप देखें कल सुबह कोई बहुत बड़ा झटका लग जाए, आई मीन वर्स्ट नंबर्स हो बीजेपी की, वो बात दूसरी है, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न और आ रहा है मेरे जहन में। अब मानव, चलिए अब बात करते हैं, मैं फ्यूचर्स को लेकर नहीं जाना चाहता, मैं इवेंट को प्ले करना चाहता हूं, और इवेंट को हमने देखिए बड़ी खूबसूरती से प्ले किया था शुक्रवार को, 2:10, 20, 30 के आसपास हमने इसकी बैंक निफ्टी लिखा, ये प्लीज 26,600 की कॉल ली थी 195 से 205 के बीच में, वो चली गई थी 345। एक बार फिर पकड़ लूं क्या? अभी तो इवेंट मेरे ग्रिप में है और टाइमिंग भी मेरे ग्रिप में है, और ये ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू है वो भी मेरे ग्रिप में है। जरा ऑप्शन का प्रीमियम दिखाइए प्लीज। मानव, सॉरी, हाँ तुम तो अगर आप जैसे बोल रहे हो कि यहाँ से डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म बाउंस की स्ट्रैटेजीज बैठती है, बट हमने जो जिस तरह की स्ट्रैटेजी भी इनिशिएट की है, आई थिंक अगर हम वैसे करें तो आपके खिलाफ ऑड्स भी काफ़ी रहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो 25,500 का पुट सेल करने की भी एक स्ट्रैटेजी है, एंड अपसाइड में 27,000 का कॉल बेचे, तो यू नो ये टोटल जो प्रीमियम बैठता है करीब 135 पॉइंट्स के आसपास है, एंड मुझे नहीं लगता कि इतने एक्सट्रीम लेवल्स हम एटलीस्ट डाउन साइड में देख पाएंगे। अगर रिजल्ट भी थोड़ा फेवर में आए तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखे, बट इमीडिएट बेसिस में 27,100 के ऊपर निफ्टी जाना, बैंक निफ्टी जाना मुश्किल है। सो आई थिंक मैं सिंस द प्रीमियम्स इतने काफी हाई है, वॉल्स काफी ऊपर है, तो करंट लेवल्स में अगर हम ले तो कहीं ना कहीं कल वॉल्स क्रैश होंगे, तो उसके चलते शॉर्ट स्ट्रैडल करें तो हम तो ज्यादा ऑड्स रहेंगे फेवर में फॉर अ विन स्ट्रेटजी। चलिए अब आपके स्टॉक से बात करते हैं, स्टॉक्स कौन-कौन से ले रहे हैं आप यहां पर, लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आपका? जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट बाय कॉल रहेगा सीमेंस में। कहीं ना कहीं स्टॉक ने काफी एक सीरीज ऑफ डिक्लाइन के बाद, करीब 35% डिक्लाइन के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। वीकली चार्ट्स में देखें तो काफी शार्प वॉल्यूम बिल्ट अप देख रहे हैं लास्ट 3 से 4 हफ्तों में, कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन और एक्युमुलेशन पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 900 का स्टॉप लॉस रहेगा लोअर साइड में, 990 का अपसाइड का पहला टारगेट है। मेरा सेकंड बाय कॉल रहेगा जीएसएफसी पे, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स, एंड एक संकेत दे रहा है कि एक हायर बॉटम बन सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन दी लो साइड, अपसाइड में 115 का टारगेट है। मेरा थर्ड कॉल रहेगा सेल ऑन नेशनल एल्यूमिनियम, एक स्टॉक ने इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट लेवल्स को ब्रीच किया है, एंड जो ऑसिलेटर्स है काफी टाइम के बाद सेल मोड में आ चुके हैं, एंड डिक्लाइन में भी काफी सेलिंग प्रेशर हमने देखा है एज वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। 63 के स्टॉप लॉसेस को सेल करना चाहिए एंड विद द लोअर टारगेट्स ऑफ 55। मेरा आखिरी पिक रहेगा सेल ऑन रेमंड, प्राइजेस ने अपने इंपॉर्टेंट पैटर्न को कंप्लीट किया है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है, अभी भी 100 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अपसाइड में 790 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सेल ऑन राइज करना चाहिए, 790 का स्टॉप लॉस रहेगा, रिवर टारगेट 735। चलिए इस बीच अगर आप देखें एक बार हमने जो अप्रोच ली थी ना कुछ देर पहले टर्निंग पॉइंट में कि भैया कोटक के बाद वो और कुछ बैंक्स जो कि कोर्ट की तरफ जा सकते हैं रेगुलेटर के खिलाफ, उसमें अगर आप देखें एक अनुज ने जिक्र किया था
इक्विटास तो खैर वहीं पर है, लेकिन बंधन बैंक को देखिए आप ऑलमोस्ट दी हाई पर, बिल्कुल दिन के सर्वोच्च स्तर पर आके टिक गया है 1900 रुपए ऊपर 491 का स्तर यहाँ पर है। खैर विषय को बदलते हैं थोड़ा सा, ट्रेडिंग निफ्टी स्टॉक फ्यूचर से बाहर निकल के अब कुछ बड़े स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बड़े वक्तव्यों की बात करते हैं। पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने इशारों में नोटबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा नोटबंदी के मुद्दे पर और जीएसटी के मुद्दे पर, जरा ये सुनते हैं एक बार। आपके हिसाब से नोटबंदी के जरिए गवर्नमेंट जो टारगेट पूरा करना चाहते थे, उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेट विकल्प था सरकार के पास? देखिए, जो इससे बेहतर आपके हिसाब से हो सकता था? ये आई मीन ये हो सकता है, यू नो फॉर एग्जांपल, नहीं देखिए आई वॉज वेरी इन्वॉल्व इन द जीएसटी। मेरा ये हमेशा सुझाव रहा है कि जो जीएसटी का जो इफेक्ट हो सकता है ब्लैक मनी पे, लैंड रियल एस्टेट पे, हमने काफी लिखा है, उसका मतलब आई स्टिल थिंक दैट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग वे ऑफ इवन अटैकिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉन कंप्लायंस, टैक्स इवेजन। तो आई थिंक जीएसटी हैज द पोटेंशियल टू डू दैट। चलिए, तो बयान आपने सुना, निफ्टी बैंक 26221 के स्तर पे एक निर्णायक अगर आप देखें कॉल लेके चलेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत आते हैं और उसके बाद एक ऑप्शन रणनीति भी बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा डामाडोल परिस्थिति है अभी, तो ठीक है 10-540 स्क्रीन पर लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है आखिरी के 3 घंटों में। सेफ सिक्योर ऑप्शन क्या विकल्प है, थोड़े से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। 10538 निफ्टी, 10538 अगर आप निफ्टी बैंक को देखें 26214 का स्तर यहाँ पे निफ्टी बैंक का है। अब बात करते हैं प्लेन ऑप्शंस की, अगर आप देखें आदित्य अग्रवाल हमारे साथ हैं, वे टू वेल्थ के सीनियर डेरिवेटिव एनालिस्ट। आदित्य ये बताइए, देखिए एक रिस्क ये है, व्यूअर्स को मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर हम ऑप्शन क्यों नहीं ले सकते। याद रखिए 2 दिन पहले हमने ऑप्शन लिया था, लेकिन क्या है कल बड़ा इवेंट है और वो इवेंट जो है अपना प्रीमियम लेके बैठा है ऑप्शंस के प्राइस पे। कल सुबह ही साथ ये वॉलेटिलिटी क्रैश भी हो सकती है, तो क्रैश होने से ऑप्शन जो है सस्ते हो जाएंगे। जो आपने कॉल 100 मिली हुई है वो हो सकता है कि कल 70 पे खुले, तो एक इवेंट का रिस्क भी है यहाँ पर। आदित्य अब इसको देखते हुए मेरे को एक ऑप्शन लेना है, अब मेरे पास या तो विकल्प ये है कि मैं इसको 330 पर निपटा के जाऊं या कल के लिए कैरी करूं, आपके पास विकल्प क्या है? आपने सही बोला है, बिकॉज ऑफ हाई आई वी वोलेटिलिटी अभी काफी ज्यादा है, तो इसके लिए ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे। बट मुझे भी लगता है कि किसी को अगर डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा एक ज्यादा रिस्क लेके ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स में वोलेटिलिटी के चलते काफी बड़े लॉस हो सकते हैं, तो ऑप्शंस में एटलीस्ट लॉस लिमिटेड रहेंगे और पोजीशन कैरी करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमको लगता है कि निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा सा वीक है और यहाँ पे 10,400-10,350 तक के लेवल अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का इसमें एक पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहे हैं 400 की स्ट्राइक का। स्टॉक में देखें तो 420 का एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था फ्राइडे को, उस एक पुल बैक में उसने रीटेस्ट किया बट आज वापस गैप से खुला है। यहाँ पे हमको लगता है कि इसका ट्रेंड, इसका स्टॉक का ट्रेंड थोड़ा सा वीक हो गया है और नीचे में 380-375 तक के लेवल्स अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है। इसके अंदर एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, 400 का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं करंट लेवल्स पे, 10 रुपए के स्टॉप लॉस से और 25 रुपए का टारगेट रहेगा। 25 रुपए का लक्ष्य है स्टॉप लॉस 10 का, अभी मेरे ख्याल से 14 रुपए पे कारोबार कर रही। तो यहाँ पर शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए मानव, आप कोई कॉल जोड़ना चाहेंगे, कोई ऑप्शन रणनीति इस वक्त निफ्टी निफ्टी बैंक को छोड़ के किसी स्टॉक पर? देखिए अभी अगर हम देख भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है वो एक शॉर्ट टर्म एटलीस्ट एक इंट्राडे मोमेंटम देख रहे हैं, तो सबसे अच्छा अगर मैं देखूँ तो SBI में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। एंड अगर SBI 270 का सपोर्ट होल्ड करता है वो बैंक निफ्टी को भी फायदा पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं उसे अपसाइड मोमेंटम दिखा, तो इन द मनी का 270 का कॉल ले सकते हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3-4 दिनों में अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो 285 तक के लेवल हम देख सकते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इनफैक्ट मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ फ्यूचर एक्सप्रेस में कि अभी मैं कोई कॉल नहीं ले रहा हूँ, कोई डायरेक्शनल कॉल नहीं ले रहा हूँ, और थोड़ा सा और आकलन करेंगे कि अगले लगभग 1.5-2 घंटे में ये बाजार किस करवट बैठता है, उसके बाद कोई ऑप्शन सस्ता है या नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्टेडल तो अगर आप देखें सजेस्ट करता नहीं हूँ। आई मीन रिटेल व्यूअर्स जो हैं वो कहाँ से कॉल बेचेंगे और फिर खरीदेंगे, स्प्रेड बनाएंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे। प्लेन वनीला साफ साफ एक स्ट्राइक खरीदो, इतना रिस्क इतना रिवॉर्ड, उस पर कोई मिला तो बात करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और ब्रेक के बाद देखिए आप आशीष वर्मा के साथ हफ्ता वसूली। नमस्कार।